लगभग एक वर्ष पूर्व घटी घटना। रंदे गुड़िया का कुछ अज्ञात अपराधियों ने सरकूच कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद अपराधी फरार हो गए थे। आखिरकार ग्रामीण एसपी और डीएसपी के सहयोग से अपराधियों को एक वर्ष के बाद गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ क्या कहा ग्रामीण एसपी ने, आइए देखें पी3 न्यूज झारखंड के लिए रांची से पूजा और काजल की एक रिपोर्ट। लापुंग थाना अंतर्गत मालरो गांव की एक महिला रंदिया गुड़िया, वो मेला देख के आ रही थी पिछले साल। उनको रास्ते में शाम के समय में रास्ते में चार पांच लोगों ने उनको पकड़ लिया, पकड़ के उनके साथ गलत किया। हमको ऐसा लगता है कि चूँकि वो अपराधकर्मी या दुष्कर्मी उसी गांव के आसपास के थे, उनकी डर ये हो गया कि उनको पहचान ये नाम खुल जाएगा, तो फिर पत्थर से उनको मारकर हत्या कर दिया और नदी किनारे उनका डेड बॉडी को बालू से छिपा दिया था। इस संदर्भ में केस किया गया था। केस होने के बाद डीएसपी साहब बाखला साहब वहाँ ज्वाइन किए हैं और अननोन मर्डर केस का हमने इनको नेतृत्व दिया कि भाई आप अपने नेतृत्व में अपनी एक टीम बना के इसका उद्भेदन किया। अभी हाल में कल ही कपिल मुंडा और संजय मुंडा की गिरफ्तारी हुई है इस केस में। उन्होंने अपने एक बालिया बयान में ये बताया कि हम लोगों ने ही उसके साथ गलत करके उसका हत्या करके लाश को छिपा दिया था, इसलिए कि चूँकि हम भी उसी गांव के बगल के रहने वाले हैं, ये नाम खोल देती है और हम लोग पकड़े जाते, इसी डर से उसने उसका हत्या कर दिया था। दो की गिरफ्तारी होगी। इसके पहले एक और भी इसमें धनी मुंडा की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें बहुत क्लियर नहीं था, लेकिन उसी सुराग जो उसने दिया था उसी सुराग को लेकर हम लोगों ने इसकी गिरफ्तारी हो गई। केस का उद्भेदन हो गया है, इसमें दो मोबाइल भी मिला है। आगे दो लोगों की और शेष गिरफ्तारी बाकी रह गई है। उम्मीद करते हैं कि जितना भी जल्दी होगा गिरफ्तार हो जाएगा और सख्त से सख्त इनकी सजा दी जाएगी। साक्ष्य इनके विरुद्ध में हम लोगों ने एकत्रित किया है और भी आगे एकत्रित कर रहे हैं। वरीय पदाधिकारी सीनियर एसपी साहब हमारे डीआई साहब का इसमें विशेष निर्देशन मिला था कि जो अननोन मर्डर केस है, पर्टिकुलरली लेडीज़ के मैटर में, उसका उद्भेदन करें या उसमें जो भी संलिप्त अपराधकर्मी हैं दोस्त, उनको गिरफ्तार करके माननीय